स्टेटमेंट्स का यदि डब्ल्यू किसी सदिश समष्टि वी एफ की उप समष्टि है, ठीक है, डब्ल्यू क्या है, सब स्पेस ऑफ वी एफ, देन वी एफ ऑन डब्ल्यू इज होमोमॉर्फिक इमेज, आपको देन वी ऑन डब्ल्यू इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ और इसमें है विद कैर्नल डब्ल्यू जिसकी स्थिति डब्ल्यू है, यानी कि हम जो मोर भी जब मान लेंगे उसकी कैर्नल डब्ल्यू जरूर मान लेंगे, बाद में देंगे, ठीक है। लेफ्ट वी एफ इज वेक्टर स्पेस, डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ वी एफ, स्टार्टिंग लेफ्ट वी एफ इज वेक्टर स्पेस, माना वी एफ एक सदिश समष्टि है, एंड डब्ल्यू सब स्पेस हो वी अपॉन डब्ल्यू क्या होगा, वी अपॉन डब्ल्यू इज और शेड स्पेस, वी अपॉन डब्ल्यू की बात, ठीक है, वी अपॉन डब्ल्यू और शेड स्पेस ऑफ वी with respect to V F and W, W के साथ एक से V में भी बात होती है, ये जो आपको स्टेटमेंट दे रही है उसी से मिल रही है। अब आगे आपको लेट करना है, लेट F G upon V upon W के लिए मैपिंग डिफाइन है, एक बार सुना लो, फर्स्ट पार्ट इसमें प्रूव करेंगे एफ इज ऑन, पहले एफ इज मोर्फिज प्रूव करते हैं, एफ इज मोर्फिज या लीनियर का क्या प्रूव करना है इसके लिए, लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी, ए भी बिलोंग्स टू एफ, एफ ए अल्फा प्लस बी इंटू बीटा, अब एफ अल्फा है डब्ल्यू प्लस अल्फा, एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा क्या लिख देंगे इसको, डब्ल्यू प्लस ए अल्फा प्लस बी बीटा, अब कोशेंट स्पेस विभाग समष्टि इसकी तो प्रॉपर्टी आप जानते हो, इसमें जो इसमें तो संकीर्ण है कंपोजिशन डब्ल्यू प्लस अल्फा प्लस डब्ल्यू प्लस बीटा इक्वल डब्ल्यू प्लस अल्फा प्लस W plus A alpha plus B beta है, इसको हम लिख रहे हैं फर्स्ट टर्म W plus A alpha, W plus A फर्स्ट प्रॉपर्टी से W plus alpha plus beta, W plus alpha plus W plus beta, सेकंड प्रॉपर्टी है W plus A alpha, A into W plus alpha, quotient स्पेस की ये कंपोजिशन ऐसे गए हैं W plus A dot alpha, A dot W plus alpha, V dot W plus,
डब्ल्यू प्लस अल्फा इक्वल टू एफ अल्फा, ए डॉट एफ अल्फा, बी डॉट एफ बीटा, एफ इंजीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एफ क्या है, एक रेखीय रूपांतरण है या समाकलिता है, एफ इज वन। सेकंड टू प्रूफ, सेकंड पार्ट प्रूफ कर रहे हैं एफ इज ऑन टू, सिंपल सा बिल्कुल ही क्या है, वी अपॉन डब्ल्यू बेस एलिमेंट सपोज करते हैं, तो वी अपॉन डब्ल्यू बेस एलिमेंट किस प्रकार के होंगे, लेट डब्ल्यू प्लस अल्फा बिलोंग्स टू वी अपॉन डब्ल्यू, अल्फा एलिमेंट किस में से, वी में से, देयर आर दिस अल्फा बिलोंग्स टू वी, एफ अल्फा इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एफ इज ऑन, वी अपॉन डब्ल्यू में जो भी एलिमेंट देंगे अल्फा एलिमेंट किस में से आएगा, वी में आएगा, एफ इज ऑन टू, इसका मतलब क्या हो गया, एफ इज ऑन टू मॉर्फिज्म, वी अपॉन डब्ल्यू इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ डब्ल्यू ऑफ वी, थर्ड पार्ट है इसमें फाइंड क्या है वो कर, सिंस डब्ल्यू प्लस जीरो इज डब्ल्यू प्लस जीरो जीरो एलिमेंट वी अपॉन डब्ल्यू, W upon W plus 0, D upon W plus 0 आ गया, ठीक है, क्या रोल ऑफ एफ क्या होगी, क्या डेफिनेशन है इसकी, अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू बी, एफ अल्फा इक्वल टू जीरो एलिमेंट यानी कि W, एक कुल में जीरो एलिमेंट आना चाहिए, जीरो एलिमेंट किसका आना चाहिए, D upon W, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या होता है, अल्फा बिलोंग्स टू बी, एफ अल्फा इक्वल टू डब्ल्यू, एफ अल्फा का फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू प्लस अल्फा, एफ अल्फा को लेकर रखते हैं डब्ल्यू प्लस अल्फा, डब्ल्यू प्लस अल्फा इक्वल टू डब्ल्यू, दैट मीन्स अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, अब क्या मीनिंग हुआ इसका, अल्फा बिलोंग्स टू बी एंड अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, यानी बी के वो एलिमेंट जो डब्ल्यू में है, इसका मतलब डब्ल्यू का एलिमेंट है, डब्ल्यू के सब स्पेस है बी का, यहां हमें बी के वही एलिमेंट लिखने जो डब्ल्यू में आ रहे हैं, इसके इक्वल हो जाएगा ये, क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है कैरनल ऑफ एफ इक्वल टू डब्ल्यू,